वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे एनिमे का रिव्यू करने वाला हूं जो मेरे हिसाब से 2020 का बेस्ट रोमांस कॉमेडी एनिमे है। और इस रिव्यू के ख़त्म होने तक आप भी इस बात पर एग्री करोगे, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं इंट्रो के साथ। तो रिव्यू को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने एक सब्सक्राइबर को स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि वो मेरी हर वीडियो देखता है, लाइक भी करता है, कमेंट भी करता है, अपने ओपिनियन भी बताता है और मुझे एडवाइस भी करता है, एडवाइस भी देता है। उसका नाम है एनमे बस्ट AMV। तो थैंक्स मैन। तो चलो अब रिव्यू में आगे बढ़ते हैं। और इस एनमे का नाम है टोनिकावा ओवर द मून फॉर यू, और इसका नाम ही काफ़ी रोमांटिक है। तो इस एनिमे के पहले ही एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा एक एक्सीडेंट, जिसके ज़रिए हमारा हीरो और हीरोइन आपस में मिलते हैं, और हमारी हीरोइन हमारे हीरो की जान बचाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया था, क्योंकि जो ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था हमारे हीरो का, उसमें जान जाते जाते बची है। और उसके थोड़ी देर बाद ही हमारा हीरो हमारी हीरोइन को प्रपोज कर देता है, और हमारी हीरोइन एक तरह से उसे एक्सेप्ट कर लेती है। और फिर कहानी आगे बढ़ती है, 2 साल बाद फिर हमारे हीरो और हीरोइन वापस से मिलते हैं और सडनली वे मैरिज कर लेते हैं। पहले ही एपिसोड में मैरिज कर लेते हैं। तो कुछ लोगों को लगेगा कि स्टोरी काफ़ी जल्दी जल्दी बढ़ रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, पहले एपिसोड में थोड़ा सा लगा मुझे कि स्टोरी तेज है, कुछ लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं थी, क्योंकि काफ़ी मज़ा आया था। और बाकी के एपिसोड की बात करें तो हमें लाइफ दिखाई गई है एक मैरिज कपल की, जिसमें लड़का और लड़की दोनों ही काफ़ी साए हैं। और इस एनिमे की एक और बात खास है, और वो है इसका इंट्रो सॉन्ग। आपने इसे सुना होगा, एक बार सुन के देखना, मज़ा आ जाएगा। नहीं समझ में ना आए तो भी अलग बात है, लेकिन सबटाइटल लगाकर अगर आप इसे देखोगे, सॉन्ग को सुनोगे मैंने, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ये मेरा फेवरेट है। अब बात करें इसकी आगे की स्टोरी की, तो उसमें आपको कुछ ऐसी सीन भी मिलेंगी, नहीं इतने नहीं हैं जितने आप सोच रहे हैं, हाँ इतने नहीं हैं, लेकिन हाँ थोड़े हैं, 1 या 2 हैं, पर उसमें देखने में आपको काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि इच्छे के साथ जब रोमांस होता है वो काफ़ी ज़बरदस्त होता है। और बात करें रोमांस की, तो इसमें कूट कूट कर बड़ा हुआ है, और एक बार तो हमारा हीरो नहीं छोड़ो नहीं बताता, एनमी को देखना ज़्यादा मज़ा आएगा। और हमारे हीरो का नाम है नासाकुन, और हमारी हीरोइन, हाँ मुझे याद आ गया, और हमारी हीरोइन का नाम है सुकासा चैन, और वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि वो हमारे हीरो की काफ़ी केयर करती है। हमारा हीरो वैसे तो फिज़िकली तो कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन मेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और लैपटॉप की बात करें या वर्क की बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें, तो वो काफ़ी ऊपर है, हाँ काफ़ी ऊपर है। और हमारी हीरोइन काफ़ी मिस्टीरियस कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक एक भी एपिसोड में हमें उसके पेरेंट्स नहीं दिखाए गए हैं, और ये बात भी नहीं पता कि क्या उसने अपने पेरेंट्स से मैरिज के बारे में कुछ बात की है, क्योंकि हाँ नासाकुन के जो पेरेंट्स थे वो भी काफ़ी यूनिक थे, तभी तो उन्होंने उसका नाम नासा रखा, जो कि एक स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, उसके नाम पे उसका नाम रखा था। तो हाँ नासाकुन के पेरेंट्स हमें इसमें दिखाए गए हैं, जो काफ़ी शाय हैं, कॉमेडी टाइप के हैं, और हमारे हीरोइन की एक सिस्टर भी है, जो पहले तो हमारे हीरो को
डिसलाइक करती थी कि उसे उसकी बहन से शादी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन बाद में थोड़ा थोड़ा वो भी एग्री कर ही लेती है। और इसमें दिखाया गया है कि हमारा हीरो काफ़ी काइंड टाइप का है, जो सबकी मदद करता है और थोड़ा आगे का सोचता है, और उसे ऐसा करने से काफ़ी फ़ायदा भी होता है। और हमारे हीरोइन काफ़ी स्वीट वाइफ है, जो हमारे एमसी की काफ़ी केयर करती है, ये बात मैंने शायद बोल दी थी पहले। और हमारी हीरोइन काफ़ी रिच है। अब क्वेश्चन ये है कि वो अपनी फैमिली को छोड़कर क्यों आई? नहीं, ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि उसे हमारे हीरो से काफ़ी प्यार हो गया था इसलिए छोड़कर आई थी। लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा लगता है, जैसे कि एक एपिसोड में हमारे हीरोइन हमारे हीरो से कह रही थी कि उसे दर्द महसूस नहीं होता, या ऐसा कुछ कह रही थी। ये बात थोड़ी सी समझ में नहीं आती है कि वो कहना क्या चाहती थी। थोड़ी मिस्ट्री रखेंगे, क्योंकि सीज़न वन ही था इसका, सीज़न टू में देखते हैं कि कौन कौन से फूल मिलते हैं हमें। और मुझे एक मेड भी इसमें काफ़ी अच्छी लगी थी, वो थी हमारे हीरोइन की बहन की मेड थी, जो काफ़ी फॉरवर्ड थी। दो बार बोला है तो समझ जाना, वो काफ़ी अच्छी थी कॉमेडी टाइप में। तो और क्या रह गया इसमें, मेन जानना तो आपको पता ही होंगे, रोमांस और कॉमेडी है। और इसकी स्टोरी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, और ये 2020 का बेस्ट है, रेंट ए गर्लफ्रेंड अब दूसरे नंबर पे है। हाँ, आप में से कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे कि रेंट ए गर्लफ्रेंड ही फर्स्ट पे होगा, लेकिन मुझे लगता है ये है रोमांस कॉमेडी के मामले में ये होना चाहिए, और ये मेरे हिसाब से है। और इसके बाद वो है ओके। तो मेरे हिसाब से इतना कहना काफ़ी होगा, और जाते जाते थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर ये एनिमे देखने के बाद भी आपको लगता है कि नहीं, रेंट ए गर्लफ्रेंड फर्स्ट पे आना चाहिए था, यानी कि 2020 का बेस्ट एनिमे था, तो आप मुझे कमेंट कर देना। और आपको लगता है कि ये ही होना चाहिए था 2020 का बेस्ट रोमांस एनिमे, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। और एक बात और कर लेते हैं, मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिस पर मैं ऑन गोइंग एनिमे को अपलोड करता रहता हूँ, तो आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।